अंचल एक्सप्रेस से बोल रहा हूँ। दो तीन सवाल है सर आपके विधानसभा के मुद्दे को लेकर। सर मिन्हाज साहब का जो मौत हुई एक्सीडेंट या मदर, ये तो रहस्यमय ये है, मगर आपके तरफ से क्या पहल किया गया अब तक सर? जी 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 तो क्या आपको लग रहा है कि सर ये राजनीति के दबाव में ऐसा किया जा रहा है? अच्छा सर, ये लाश के साथ बेहुर्मती किया जा रहा है, क्योंकि लाश का सबसे ये होता है पोस्टमार्टम। जब पोस्टमार्टम हो गया है तो रिपोर्ट आने तक तो इंतजार करना होगा, उसमें लाश का कोई काम नहीं है। सर एक सवाल नहीं होता तब दिक्कत थी कि भाई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है तो परेशानी है। सर एक सवाल और, कुछ दिन पहले ही उनके जीजा जी का शायद की मर्डर हुआ था, उस पर बेचारा एक वीडियो भी हम उसका देखे कि वो मदद के गुहार लगा रहे थे, मगर अचानक उनका फिर मौत हो जाना। एक्सीडेंट अगर होती तो बाइक को कुछ खरोच तक आती, बाइक को कुछ खरोच तक नहीं, वो मर गए। जी जी तो आपको लग रहा है कि ये आपको लग रहा है कि तो सर आपको लग रहा है कि मिन्हाज का जो परिवार है वो किसी राजनीतिक के दबाव में आकर यह सब कर रहा है? जी ऐसे लोगों के कहने पर जो कह रहे हैं वो लोग सब रहे हैं। एक कल लाश लेके एक पत्नी सर रोड में तड़प रही थी, आक्रोश जताया जा रहा कि मेरे पति को इंसाफ दिया जाए, मगर बहुत देर तक जद्दोजहद करने के बाद प्रशासन आई और उन लोगों मना के ले गए। तो कहीं ना कहीं आप स्थानीय विधायक है और आपका जिम्मेवारी बढ़ती है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को आदेश देकर एक निष्पक्ष जांच की मांग किया जाए, मगर सूत्र के जी 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 उस लाश का जो जांच होगा तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही जांच होगा। जी इससे पहले एक मंत्री वहाँ सुसाइड किया था आदमी, जी जैसे उस समय भी हम लोग की सरकार बनने का क्रम चल रहा था तो हम लोग पटना में जी सर एज ए विधायक आप मिन्हाज के परिवार को क्या मदद करेंगे सर? मतलब ये नहीं है हमको किसी पर कोई ये नहीं, हम नहीं लगाएंगे, ये मेरा बेटा मतलब दिमागी तौर पर थोड़ा ये डिप्रेशन में चले इससे पहले सुसाइड नहीं किया जी जी जी
तो वो सारा लिख करके वो छोटा बाबू उसको दे दिया, छोटा बाबू चले गया, लाश दफन हो गया। कल उस दिन जो था मैं शाम को जब पहुँचा कहना है कि बाद में उसका परिवार उसकी अपनी सुसाइड किया था, हैंगिंग हो रहा था, तो उसका कहना है कि ये मर्डर किया है, कुछ लोग मर्डर किया। तो मैं ये सपना जब सपना में से पहले कहती थी कि सपना में से पहले बोलते हो ध्यान होता तो क्या हो जाता जी। किसमें क्या मदद होती है, हम तो कह रहे हैं हमको तो पूरा आश्वस्त किया, अगर मर्डर हुआ है तो कोई दोषी उसमें नहीं बच पाया। अंत में सर आपका परिवार को, अंत में सर आपका मिन्हाज का परिवार को क्या संदेश और क्या आश्वासन रहेगा? हम तो वही कह रहे हैं कि पूरा मदद रहेगा कि उसको दोषी है तो कोई नहीं बचे, सबको सजा मिले, पूरा प्रयास करेंगे, दबाव बनाएंगे, हर तरह का कि अगर ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है सर, शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। आप आएंगे फिर आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि आप विधानसभा में है इसलिए आपका इंटरव्यू मोबाइल में लेना उचित समझे, क्योंकि मामला थोड़ा सा गंभीर है सर। जी 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 तो मान के चलिए कि वहाँ का पुलिस को मैं इन्फॉर्मेशन दिया, वहाँ पोस्टमार्टम भी खराब हो गया जी, पोस्टमार्टम करा के लेके आया जी, वहाँ भी हम गए लोगों को ये किए, तो बाद में मालूम हुआ कि कोई वीडियो को बना करके भेजी थी वो और जी। अपनी माँ को तो ठीक है, यहाँ का जो नियम है कि जहाँ ऑक्रेंस होता है, जहाँ घटना घटता है, हम लोग का जो संविधान है वही करता है कि जहाँ घटना घटेगा वही फायर होता है जी। जी तो यहाँ का प्रशासन उसको बोला कि फायर नहीं होगा भाई, आप ऐसा कीजिए लास्ट आया है दफना दीजिए, आप जो वीडियो है वो कोई आप छोटी नादी में है दवाई दीजिए, ऐसे बात हुआ सुपर मरण चोपला यहाँ कहाँ आया था, तो वो वहाँ का एसएचओ से भी बात हुआ जी, हम लोग फिर यहाँ एसपी साहब से भी बात किए, डीडीओ से बात किए, थाना का प्रभारी भी वहाँ था, सारे लोग समझाया, लोग को मान गया रोड जाम तो खत्म हो गया, सबको समझा बुला करके कि आप लोग रोड जाम कीजिएगा तो ये तो गैर कानूनी हो जाएगा, इस तरह का कीजिएगा तो फिर ये मामला रह जाएगा, मालूम हुआ कि जो रोड जाम का हो गया जी, इस तरह का मत कीजिए आप लोग, रोड जाम तो खत्म हो गया, लेकिन फिर वहाँ भी कुछ लोग आकर नेताजी करना नेतागिरी के इसमें लास्ट में आप देख लास्ट के साथ जैसे उसको पता नहीं है कि 7 दिन तक उस लास्ट को आप लोग कर, ये नेतागिरी कर कौन रहे सर, खुल के नहीं बता रहे सर, होगा तो मतलब कोई ना कोई तो होगा इसमें, आप लोग देखिए बेहतर हो, कोई जान रहे हैं आप लोग कि कौन होगा तो ठीक है।